Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now open your book student. Today I will teach you chapter 12, Houses We Make, which is on page number 59. Student, houses we make, ghar jo hum banate. Long ago, humans lived on trees and in caves. पहले के समय में लोग कहाँ पे रहते थे? ट्रीज पर, पेड़ों पर या फिर गुफाओं में. As time passed, they learned to make houses. जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वे सीखने लगे कि घर बनाते हैं. They began to live in these houses. वे इन घरों में रहना उन्होंने इन घरों में रहना शुरू किया. Soon houses became very important for them. जल्द ही ये घर उनके लिए काफ़ी important होने लगे. Houses made them feel safe and comfortable. घर जो होते हैं वो उनको safe यानी सुरक्षित और comfortable यानी आरामदायक, काफ़ी आराम उनको महसूस होता है घरों में. They protected them from heat, cold and rain. ये जो घर होते हैं उनको protect करते हैं यानी उनकी रक्षा करते हैं गर्मी से, सर्दी से और बारिश से. हाउसेज ऑल्सो प्रोटेक्टेड ह्यूमंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. और जो घर होते हैं वो इंसानों की, जंगली जानवरों और चोरों से भी उनकी रक्षा करते हैं. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें घर में रहने की बहुत ज़रूरत है. द हाउसेज वी लिव इन आर नॉट द सेम एवरीवेयर. वो जो हाउसेज होते हैं जिसमें हम रहते हैं वो हर जगह एक जैसे सेम नहीं होते. सम आर कच्चा हाउसेज वाइल अदर्स आर पक्का हाउसेज. कुछ कच्चे हाउस होते हैं वहीं पे जहाँ पे कि कुछ पक्के हाउसेज भी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू. एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.